देश भर में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरह मानव जीवन को अपनी गिरफ्त में लेकर खौफनाक मंजर दिखाया, उसके दंश से अभी पूरी तरह स्थिति सामान्य हुई नहीं कि अब तीसरी लहर के खतरे का साया मंडराने लगा है, जिसकी आहट कुछ राज्यों में सुनाई देने के बाद केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और अभी भी लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन पर जोर देते हुए संक्रमित वायरस से सुरक्षित रहने, मास्क पहनने के साथ भीड़ भाड़ से परहेज कर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने पर जोर दे रही है, जिसके तहत ऐसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन जिनमें भीड़ भाड़ से संक्रमण फैलने का अंदेशा है, प्रतिबंध के दायरे में रख सीमित संख्या में आयोजन की अनुमति है, जिसके तहत सागर में भी ऐसे आयोजन को प्रतिबंध के दायरे में रख प्रशासन ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए। कोविड-19 का प्रोटोकॉल करते हुए ही इस त्यौहार को मनाया जाए। वर्तमान में जो शासन निर्देश लागू है उसके अनुसार धार्मिक स्थल पे 6 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। से संक्रमण फैलने का अंदेशा है, प्रतिबंध के दायरे में रख सीमित संख्या में आयोजन की अनुमति है, जिसके तहत सागर में भी ऐसे आयोजन को प्रतिबंध के दायरे में रख प्रशासन ने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए, पर दूर दूर तक उस आदेश का पालन होता नहीं दिख रहा, जहां धार्मिक स्थल पर पूजन के लिए अभी भी सीमित संख्या में लोगों को अनुमति है तो वहीं मेले पर पूरी तरह रोक है। इसके बावजूद मंगलवार को शहर के प्रसिद्ध हनुमान सिद्धपीठ गढ़पैरा में आषाढ़ के मंगलवार पर कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के बीच आस्था के नाम पर लोगों का जिस तरह जन सैलाब उमड़ा, उसने कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा, कोरोना को भी नानी याद दिला दी और उसका पसीना निकाल दिया, और मौके पर दिखाई देने वाली तस्वीरें देख ऐसा कहीं नहीं लगा कि लोग अभी अभी कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से उबरे हैं। दर्शन के लिए यहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों में छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष और युवाओं की लंबी लंबी कतार हर तरफ देखी गई। किसी में भी कोविड संक्रमण का खौफ नहीं था, न मास्क पहनने लोग नजर आए, न सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ। हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते इससे सुरक्षित रहने जारी कोविड गाइडलाइन के पालन की नसीहत को स्वयं सत्ताधारी दल से जुड़े भाजपा के विधायक प्रदीप लारिया भी जमकर दरकिनार कर कोविड गाइडलाइन को पलीता लगाकर वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में न केवल इस अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम में स्वयं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मस्ती और आनंद के साथ झूमते लुप्त उठा शामिल हुए, बल्कि आस्था में अवसर को तलाशते हुए अपनी राजनीति चमकाते हुए क्षेत्र की खुशहाली के नाम पर सामूहिक भजन पाठ का आयोजन भी कराते नजर आए। भाई भी जब तब ऐसे आयोजन जिसमें कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वयं की सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा जारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बतौर सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक प्रदीप लारिया को लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास होना था, पर विधायक इसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं दिखे और तमाशा बन सब नजारा देखते रहे। वह स्वयं तो मास्क लगाए थे, पर उनके साथ मौजूद समर्थकों का सैलाब इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं दिखा। यहां हम आपको बता दें कि बीते दिन ही धार्मिक आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें भी सीमित संख्या में पूजन पाठ की अनुमति है तो वहीं अभी भी सार्वजनिक आयोजन कर भीड़भाड़ लगाने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके यहां जिस तरह शासन प्रशासन के आदेश को ताक पर रख सत्ता के नशे में चूर विधायक ने सैकड़ों की संख्या में जमावड़ा कर आयोजन किया और वहां लोगों का जमावड़ा लगा रहा, वह मामले में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की रोकथाम की शासन और प्रशासन की मंशा पर पानी फेर सकती है, जो कहीं ना कहीं मानव जीवन के खिलवाड़ के साथ परेशानी का सबक साबित होगा और आने वाले दिनों में प्रशासन की मुसीबत का कारण भी बनेगा। जिले के श्रद्धांजलि हमारे श्रद्धालु हैं, गढ़पैरा आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और मैं भी लगभग 10-12 साल से यहाँ पर गढ़पैरा में तीसरे या चौथे मंगलवार को आता हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता आते हैं,
यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और बजरंग बली हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं इस क्षेत्र की समृद्धि, इस प्रदेश की समृद्धि के लिए। और आज भी हम लोगों ने आयोजन किया है, अभी यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए हैं, उनकी पूजा अर्चना की है और अभी नीचे सुंदरकांड का आयोजन भी किया है, प्रसाद वितरण होगा और कुल मिलाकर ईश्वर से क्षेत्र के आशीर्वाद के लिए हम सबके ऊपर आशीर्वाद उनका बना रहे, ऐसी ईश्वर से हम लोगों ने कामना की।